नमस्कार, द लीगल इंडियन केस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक कानूनी किस्सा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और ये कहानी करीब 50 साल पुरानी है। आज से ठीक 50 साल पहले महामहिम राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आकर एविडेंस दिया था। एक केस था जिसमें महामहिम राष्ट्रपति को खुद ही सुप्रीम कोर्ट आना था और इसीलिए वो पहली बार सुप्रीम कोर्ट आए। भारतीय इतिहास में पहली दफा किसी राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आकर एविडेंस लिया। आज से कुछ दिन पहले द हिंदू अखबार में ये बात छपी है कि आज से 50 साल पहले जब राष्ट्रपति वीवी गिरी खुद सुप्रीम कोर्ट आए थे तो वहाँ का माहौल कैसा था। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीवी गिरी वराहगिरी वेंकटागिरी भारत के चौथे प्रेसिडेंट थे। उन्होंने 1969 से 1974 तक प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत रहे और वो दिन 20 अप्रैल 1970 का था जब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एविडेंस देने के लिए आए। तो चलिए हम देखते हैं, आप स्क्रीन पे देखिए इस द हिंदू में क्या छपा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये कहता है कि प्रेसिडेंट गिरी क्रिएटेड हिस्ट्री व्हेन ही गेव एविडेंस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन केस। दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट द नेशंस प्रेसिडेंट हैड अपीयर्ड बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ। यह पहली दफा था जब देश के सर्वोच्च पद पर कार्यरत रहे राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गए थे। द अपीयरेंस ऑफ प्रेसिडेंट द अथॉरिटी फॉर अपॉइंटिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस इन द कोर्ट वॉज नोटेड एज हाईली सिग्निफिकेंट इन लीगल सर्कल। अब सबसे बड़ी बात इसमें यह थी कि जो जजेज होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, उनका जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जो अपॉइंटमेंट करते हैं उनका, वो राष्ट्रपति खुद होते हैं और इस केस में राष्ट्रपति को खुद बुलाया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कुछ एविडेंस देने के लिए। तो लीगल मायने से ये केस काफी इंटरेस्टिंग था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन सीनियर एडवोकेट सेड इट सिग्निफाइड द मेजेस्टी ऑफ लॉ एंड द अटमोस्ट रिस्पेक्ट द हेड ऑफ द स्टेट शोज टू द सुप्रीम जुडिशरी ऑफ द लैंड एंड टू द रूल ऑफ लॉ अंडरलेइंग द बेसिक फैब्रिक ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये वकील साहब कहते हैं कि यह हमारा न्याय व्यवस्था कितना बेहतरीन है जिसमें राष्ट्र के पहले व्यक्ति जो प्रेसिडेंट होते हैं वो खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वहां जाकर के एविडेंस दिया था। ये कहता है कि दो मिस्टर गिरी एज हेड ऑफ अ स्टेट वॉज इंटाइटल टू बी एग्जामिन्ड ऑन कमीशन एंड द कोर्ट हैड ग्रांटेड द प्ली फॉर सच एन एग्जामिनेशन इन राष्ट्रपति भवन, मिस्टर गिरी गेव अप द प्रिविलेज एंड सबमिटेड हिमसेल्फ टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट एज एनी अदर विटनेस। ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने राष्ट्रपति महामहिम वीवी गिरी को ये ऑप्शन दिया था कि यदि वो चाहें तो राष्ट्रपति भवन में ही उनसे एविडेंस ले लिया जाएगा, उनको आने की जरूरत नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इसके बावजूद भी जो उस समय महामहिम राष्ट्रपति वीवी गिरी ने रूल ऑफ लॉ के प्रति अपना जो आस्था दिखाया था वो माननीय है और काबिल तारीफ है। ये कहता है कि मिस्टर वीवी गिरी गेव अप द प्रिविलेज एंड सबमिटेड हिमसेल्फ टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट एज एनी अदर विटनेस। वो किसी और विटनेस की तरह, जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति हो सकता था, ठीक उसी के तरह उनको जो करना चाहिए था वो स्वयं कोर्ट आए और उसके बाद जो है अपना एविडेंस दिया। लेकिन जब वो कोर्ट आए उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में चलिए बात करते हैं। देयर वाज स्पेकुलेशन अर्लियर इफ द जजेस वुड राइज व्हेन मिस्टर गिरी एंटर्ड द कोर्ट रूम। पहले स्पेकुलेट कर रहे थे लोग कि जब महामहिम राष्ट्रपति स्वयं आ जाएंगे कोर्ट में तो क्या वहां पे जो जजेस बैठे होंगे क्या वो अपने स्थान से खड़े हो जाएंगे, इस तरीके की बातें हुई थी। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ ये हम जानते हैं, दे डिड नॉट। लेकिन जब वो इंटर किए तो जजेस नहीं खड़ा हुए, नॉर डिड दे एक्नॉलेज मिस्टर गिरी नमस्ते, और ना ही प्रेसिडेंट साहब को जजों ने प्रणाम किया। दे मेंटेन्ड देयर यूजुअली डिस्पैशनेट कंपोजर, और जो वहां के जजेस थे वो भी अपना धर्म का पालन करते हुए उन्होंने क्या किया, ना तो खड़े हुए उनको देख करके, ना ही उनको नमस्ते किए, और किसी और विटनेस को जैसे वो ट्रीट करते हैं
सेम कंडीशन सेम ट्रीटमेंट एक राष्ट्रपति को भी दी गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि लॉ सबके लिए समान है, चाहे वो राष्ट्रपति रहें, चाहे वो प्रधानमंत्री रहें, चाहे कोई अन्य व्यक्ति क्यों ना हो। और इसीलिए जब एक जज जुडिशियल कैपेसिटी में अपना जुडिशियल काम करते हैं तो वो सामने नहीं देखते हैं कि आखिर वो राष्ट्रपति है, वो प्रधानमंत्री है या कोई और इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। और इसीलिए ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, इसलिए मैंने सोचा कि एक कानून के किस्से करके एक सीरीज निकाला जाए जिसमें जो इंटरेस्टिंग कहानी है, कानूनी कहानी है, जो लॉ से रिलेटेड कहानी है, उसको हम यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और यदि आपके पास भी कुछ ऐसा कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9958429420 व्हाट्सअप कर सकते हैं इस पे, या फिर यदि ईमेल करना है तो ilegalindian@gmail.com पे। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे थम्स अप दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें ताकि आगे आने वाला वीडियो जो है आप तक पहुंच जाए। और एक और बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो को अपने आसपास के लोगों में शेयर करें। शेयर करने का पैसा नहीं लगता, उनकी जानकारी कुछ बढ़ेगी, उनका लीगल एक्विपमेंट स्ट्रेंथन होगा और मेरा भी हौसला अफजाई होगा। तो चलिए किसी और वीडियो पे मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।